वेलकम बैक टू माई चैनल। मैं हूँ स्नेहा और आप देख रहे हैं मेरी वीडियो ब्यूटी ब्लिंग्स पर। और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत स्पेशल वीडियो, क्योंकि अगर आप सोच रहे हो ना कि कम बजट में मैं अपना सैलून कैसे ओपन करूँ, या मेरे पास बहुत पैसे नहीं है कि मैं 4-5 लाख रुपए अपने सैलून में लगा सकूँ, या मैं छोटा सा पार्लर खोल सकूँ, तो कम बजट में आप खुद का सैलून या खुद का पार्लर कैसे ओपन कर सकते हैं, यही वीडियो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। और आप इस वीडियो को ध्यान से देखना, क्योंकि मैं इसमें आपको एक बजट बना के दिखाने वाली हूँ कि किस तरह से आप सामान खरीद सकते हो, फर्नीचर खरीद सकते हो और बाकी सारी चीजें खरीद के अपने खुद का पार्लर या अपना खुद का सैलून ओपन कर सकते हो। तो ये वीडियो आपके लिए ही बना रहे हैं स्पेशली, ताकि आपको हेल्प मिले, आपको मोटिवेशन मिले कि आप अपना कम बजट में अपना सैलून, अपना पार्लर खोलने का वो कॉन्फिडेंस ला सके। तो सबसे पहले आपको अपना सैलून ओपन करना है, अपना पार्लर ओपन करना है, तो उसमें आपको ये चेयर चाहिए होती है। ये चेयर मैंने ली है 6,000 रुपए की। ये दो चेयर मैंने ली है जो स्टील हैंडल की है, साथ में ये इस तरह से चेयर है जो आगे पीछे की साइड में हो जाती है। यहाँ पे अपना फेशियल कर सकते हो, थ्रेडिंग कर सकते हो, वैक्स करना चाहते हो तो आप इस चेयर को ऐसे घुमा के बिठा के अपने क्लाइंट को उनकी वैक्स कर सकते हो। तो ये सारे साथ में मेकअप करना हो तो मेकअप के लिए भी आप इस चेयर को यूज कर सकते हो। साथ में मैंने यहाँ पे एक मेकअप टेबल ली है जिसमें ये बहुत सारे ड्रॉर्स है, और साथ में इसकी हाइट है 7 फीट, जिसमें जो बहुत दिखने में बहुत एक अलग ही लुक लग रहा है, जिसमें बल्ब है ऑलरेडी, साथ में व्हाइट कलर की थीम है जो बहुत क्लासी लुक दे रही है। साथ में अगर कोई इसको देखेगा तो उसको देख के खुशी होगी कि जेन्युइनली ये बहुत सुंदर लग रही है, और साथ में इसको अगर आप पिक्चर में कैप्चर करोगे तो बहुत ज्यादा सुंदर लगेगी। मैं आपको पास से दिखा देती हूँ ये टेबल, आप इस टेबल की क्वालिटी देखिए, ये पूरी व्हाइट बोर्ड से बनी हुई है और बोर्ड की जो क्वालिटी है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। आप ये 12,000 की टेबल खरीद रहे हैं तो ऐसा नहीं कि सस्ते कोई प्लाई मिल जाएगी, कुछ लकड़ी वुडन मिल जाएगा, नहीं, इसमें बहुत ज्यादा वेट है जेन्युइनली। साथ में आप देख सकते हैं इसमें इस तरह के आपको ड्रॉर्स मिलेंगे, इसमें ये ड्रॉर दिए गए हैं इस तरह से, और ये की भी दी गई है जिसमें आप अपने ड्रॉर ओपन करके अपना टॉवल, अपनी किट, अपना जो भी वैक्सिंग हीटर है वो इसमें आप रख सकते हो। तो ये एक बहुत सुंदर सा आपको लुक देगी। तो अगर आपकी जेब में 20,000 है तो आप ये दो चीज लेकर भी अपना मेकअप स्टूडियो या अपना मेकअप जर्नी स्टार्ट कर सकते हो। साथ में मैंने ये मैनिक्योर टेबल ली है जिसमें आप अपना मैनिक्योर कर सकते हो। अगर आप एक जगह पे बैठे हो, सपोज मेरी क्लाइंट आई है तो मैं उसको यहाँ पे चेयर पे बिठा के उसका इधर ऐसे बिठा के उसका मैनिक्योर कर सकती हूँ, ठीक है, यहाँ पे उसका आराम से मैनिक्योर हो जाएगा। ये मैंने लिया है 1200 रुपए का। आप देख सकते हैं इसकी क्वालिटी, इसमें इस तरह का बाउल है, पैकिंग आई थी अच्छी सी पूरी, और इस तरह से मैं अपने क्लाइंट का यहाँ पे बैठ के मैनिक्योर कर सकती हूँ। साथ में अगर आप ये ट्रॉली लेना चाहते हो तो आप ये ट्रॉली ले सकते हो, इसमें आप अपना ड्रायर रख सकते हो, अपनी टूल रख सकते हो, आप जो भी केमिकल वर्क करोगे वो आप इसके ऊपर रख सकते हो। आप अपनी क्लाइंट का कोई भी हेयर कर रहे हो, हेयर डू कर रहे हो, तो वो सामान आप इसके ऊपर रख सकते हो। ये मुझे 1500 रुपए की पड़ी है और इसकी क्वालिटी बहुत अमेजिंग है। साथ में इसमें ऐसे बॉक्स मिले हैं, इसमें मैं अपना सामान रख सकती हूँ। तो 1500 रुपए या 1200 रुपए कोई ज्यादा बड़ा अमाउंट नहीं है, आप ये ले सकते हो। बस ये कि आप अगर एक अपना सैलून बना रहे हो तो उस सैलून में ये आपको हेल्प करेगा, और इसमें आप अपना सामान रखोगे तो आपको ही हेल्प होगी। पेडिक्योर टब लिया है क्योंकि मेरे पास उतनी बड़ा स्पेस नहीं है, उतनी जगह नहीं है कि मैं बड़ी सी चेयर और टब वाली रखूँ और आराम से अपना क्लाइंट का करूँ, नहीं, मेरा उतना ना तो मेरे पास स्पेस ना ही उतना मेरा बजट है। आपका भी अगर कम बजट है तो आप इस तरह की पेडिक्योर मशीन, एक पेडिक्योर टब ले सकते हो। ये ऑटोमेटिक वाला है जिसमें टेम्परेचर आप सेट कर सकते हो, बबल्स का है, टाइमर सेट कर सकते हो, आप अपना रेड लाइट इसमें आ जाएगी जब आपका टाइमर खत्म हो जाएगा। मसाजर है, ये अंदर से कुछ ऐसी दिखती है, यहाँ पे ये वर्क करते हैं। ये मैंने ली है 5000 की, ये 1800 से स्टार्ट था, लेकिन ये मैंने रिमोट से चलने वाली ली है, मेरा थोड़ा बजट इसमें थोड़ा ठीक था, मुझे लगा थोड़ी अच्छी चीज ले लेते हैं तो मैंने ये लिया। इसका प्राइस 1800 भी है, 1800 से भी स्टार्ट है, आप वो भी ले सकते हो। ये साथ में आप ले सकते हो ये हेयर स्पा हेयर स्टीमर जिसका प्राइस 1800 से स्टार्ट होता है, लेकिन डिपेंड करता है कि वोल्ट कितना है, कितने वोल्ट का आप ले रहे हो। ये देख सकते हैं आप, ये स्टीमर लिया है मैंने जो 240 वोल्ट का है, ठीक है, और ये कुछ इस तरह का है, आप इसका स्टीमर ले सकते हो। ये फ्लिपकार्ट पे आपको 1500 से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन वोल्ट कितना दे रहे हैं, उसकी क्वालिटी कैसी है, आपको वो देखना पड़ेगा। लेकिन अगर आप अपने सैलून में ये चीज और एड ऑन करना चाहते हो, या अपने स्टूडियो में या अपने घर में जो आप पार्लर ऑन कर रहे हो, पार्लर खोल रहे हो, उसमें अगर आप ये चीज एड ऑन करना चाहते हो तो आप ये चीज एड ऑन कर सकते हो, क्योंकि ये रहेगा तो आप थोड़ा हेयर स्पा दे दोगे अपने क्लाइंट को, आपको थोड़े पैसे मिल जाएंगे, आप बोलोगे मैम चलो आप कब मैनिक्योर पेडिक्योर करो, आप हेयर स्पा और करा लो, आप उनको स्टीम दे सकते हो, हेयर स्पा दे सकते हो, तो आपके ही पैसे बनेंगे। तो ये ज्यादा महंगी नहीं है, लेकिन अगर आप लेना चाहते हो वो आपकी चॉइस है, नहीं लेना चाहते वो आपकी चॉइस है।
पैसे बनाने हैं तो थोड़ी छोटी मोटी चीजें तो ऐड ऑन करनी पड़ती है इस चीज में। तो साथ में मैंने यहाँ पे लिया है हेयर वॉश स्टेशन, जहाँ पे ये मैंने हेयर वॉश स्टेशन लिया है 9000 रुपए का, क्योंकि इसका जो क्वालिटी है वो मैंने थोड़ी अच्छी ली है। ये 9000 रुपए की मुझे इसलिए पड़ गई गाइस क्योंकि ये ना चीनी मिट्टी की बनी हुई है और इसका खुद का ही वेट ना 12 किलो का है, तो इसीलिए थोड़ी सी महंगी पड़ी। क्योंकि ये प्लास्टिक बाउल भी आता है, जो प्लास्टिक बाउल होता है उसकी क्वालिटी थोड़ी लो होती है, वो कभी भी कुछ भी उसमें हो सकता है, स्क्रैचेस आ सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, वो उतना नहीं चलता है। तो इसीलिए मैंने ये बाउल चीनी मिट्टी वाला लिया जिसका कॉस्ट मुझे थोड़ा 9000 पड़ा। ये मुझे बहुत अच्छी मिली है, इसमें जो हैंडल्स है वो पूरे स्टील के दिए गए हैं, तो आप ये देख सकते हो इसमें जो हैंडल है वो स्टील के है, क्योंकि कई बार क्या होता है क्लाइंट इस तरह से बैठे हुए हैं, अब उनके पास कुछ काम नहीं है तो वैसे ऐसे ऐसे करके ये सीट को ही थोड़ा निकाल देते हैं, तो मैंने इसीलिए ये हैंडल के लिए ताकि वो बैठे बैठे ऐसा कुछ ना करें। और ये बहुत कंफर्टेबल है, बहुत अच्छी क्वालिटी है इसकी, और ये मैंने 8000 से 9000 के बीच में इसका जो रेट है वो उतना लिया है, बार्गेनिंग कर सकते हो आप। मैं आपको बस यहाँ पे ना चेयर का, जो लोग क्या होता है ना, जो लोग अभी सलून ओपन करने वाले हैं या जो लोग खोलने का सोच रहे हैं या जिनका बजट है इतना लेकिन वो सोच रहे हैं कि रेट क्या होगा, बहुत कंफ्यूजन है, तो मैं ये वीडियो उन्हीं के लिए बना रही हूँ कि उनको एक रेट पता हो। अगर आपसे कोई भी मार्केट में ऐसी चेयर का 6000 रुपए से ज्यादा का प्राइस ले रहा है तो वो आपको लूट रहा है, डिट्टो ऐसी चेयर। अगर उसके हैंडल फॉर्म के हैं, हैंडल स्टील के नहीं है, तो उसका रेट ज्यादा से ज्यादा 5500 है, लेकिन अगर उसके हैंडल अगर ऐसे स्टील के हैं तो वो 6000 से ज्यादा की नहीं है। लेकिन आप चाहते हो उसमें बार्गेनिंग करवाना तो आप करवा सकते हो, वो आपके ऊपर है कि आप कितनी अच्छी बार्गेनिंग करते हो। लेकिन कोई आपको ऐसी चेयर इतनी महंगी दे रहा है तो आपको लूट रहा है, प्लीज लूटना मत, ध्यान रखना इस चीज का। साथ में अगर 7 फीट की टेबल ऐसी और 3 फीट के ड्रॉअर वाली टेबल है, अगर आपको ये 12000 या 10000 से ज्यादा भी मिल रही है तो गुड, वेरी गुड। लेकिन अगर आपको 12 तक मिल रही है तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आप सेम यही टेबल खरीदना चाहते हो, मेकअप टेबल, तो मैं नीचे लिंक डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से बाय कर सकते हो और वहां पे जाके आपको सेम डिटो ऐसी ही टेबल मिल जाएगी। जो स्टूडेंट ऐसी टेबल, ऐसा मेकअप टेबल लेना चाहते हैं वो वहां जाके ले सकते। तो जिस तरह से मैंने कम बजट में अपना मेकअप स्टूडियो, अपना पार्लर ओपन किया, आप भी ऐसा ही कम बजट में अपना सलून, अपना पार्लर ओपन कर सकते हो। ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचना है कि अगर भाई सलून ओपन करना है, पार्लर ओपन करना है तो कम से कम 4 या 5 लाख रुपए तो चाहिए चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप इस तरह का कुछ फ्रेम बनवा के उसको थोड़ा डेकोरेट करके थोड़ा क्लासी लुक दे सकते हो, थोड़ा स्टाइलिश लुक दे सकते हो अपनी वॉल को। आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि नहीं मुझे बहुत सारा पैसा चाहिए होगा, नहीं मुझे बहुत सारे पैसे लगाने पड़ेंगे, ये वो ऐसा वैसा, ऐसा कुछ भी नहीं। आप इतने बजट में भी अपना पार्लर, अपना सैलून ओपन कर सकते हो। तो ये जो सारा सामान मैंने कहाँ से लिया, इसका लिंक और एड्रेस मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। एक जगह है फिल्मिस्तान नाम की, जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ सलून का ही सामान मिलता है। दिल्ली में ही है ये, सदर बाजार के नियर बाय पड़ती है। फिल्मिस्तान नाम की जगह है जहाँ पे स्पेशली सलून का, पार्लर का सामान मिलता है, चाहे वो फर्नीचर से रिलेटेड हो, चाहे केमिकल से रिलेटेड हो, चाहे किसी से रिलेटेड हो, आप वहां पे जा सकते हो दिल्ली में फिल्मिस्तान नाम की जगह पे, जहां से मैंने ये टेबल ली है, चेयर ली है, मैं उसका डिस्क्रिप्शन में एड्रेस लिंक डाल दूंगी, ठीक है। और साथ में अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और ये वाली वीडियो ना उन लोगों के साथ जरूर शेयर करें जिनको टेंशन हो रही है कि भाई सलून कैसे ओपन करें, पार्लर कैसे ओपन करें, हमें तो चेयर करें पता ही नहीं है। तो प्लीज ये वीडियो उनके साथ शेयर करें, एंड बाय।